कौन है तुम्हारी? इसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा है कि तेरा है? तू मुझसे नहीं मेरे शरीर से प्यार करता है। तो ऐसा करते ना, शादी तो नहीं करूंगा, सुहागरात मनाऊंगा मैं। प्रणाम दीदी। क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ सर, और अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई। पता नहीं भगवान ने क्यों मेरे साथ गलत किया, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जिस इंसान ने मुझे पाला पोसा, उसने पहले नाम ही क्यों दिया जब ऐसा सब कुछ करना था तो मेरे साथ ही। पहले पाला पोसा नाम दिया, फिर दूर कर दिया अपने आप से। मेरी किस्मत में क्यों भगवान ने ये सब कुछ लिखा है, मुझे तो खुद ही नहीं समझ आता। ऐसा लगता कहीं जाके मर जाऊं। मरने से ठीक थोड़े होता है हर चीज के लिए यहाँ पे लड़ना पड़ता है, कोई चीज आसानी से मिलता नहीं। सर मैं कितना लड़ूं, बचपन से लड़ते ही आई हूँ। घुमा फिरा के पता नहीं क्यों ऐसा ही होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। पहले मेरी माँ के साथ उन लोगों ने गलत किया, अब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? अभी भी गांव में नहीं ले जाते हैं वो? नहीं ले जाते हैं सर। काहे कि तुम उनकी जायज बेटी होती तब ना तुमको गांव में ले जाता लोग, तुम उनकी नाजायज हो, नाजायज। फिर मुझे पाला पोसा क्यों? तो जाके उनसे पूछो ना, हमसे पूछने जो हो जाएगा सब चीज। बात रोने से हर चीज मिल जाएगा। कहा तो नहीं सुनी हो, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलती तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। तो मुझे क्यों पाला पोसा इस दुनिया में क्यों लाए मुझे? तो गलती किया लोग पाल पोस के। गरीब होना गलत बात नहीं है, गरीब होके मर जाना गलत बात होता है। तो पैदा हुई तो गलत बात हो गया है, लड़ो अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए। कितना लड़ू सर मैं, कितना लड़ू? क्या हो गया है मन, इतना तुम इतना जल्दी हार मान गई हो? हर चीज तुमको पता लग गया ना, को कोठे वाली तुम्हारी माँ नहीं है, जिनको अपने बाप समझी तो तुम्हारे बाप नहीं है, तुम्हारी माँ कोई और थी ना। तो उन लोगों ने पाले क्यों सर, मुझे पैदा होते ही मार देते ना मुझे। वो लोग अपना फर्ज निभाया, लोग फर्ज होता है जो उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया ना, उनमें उनका क्या गलती है? तुमने फोन पे भी कुछ नहीं बताई यार। ये जिनको अपना बाप समझती है ना दोस्तों, कैमरा लगा लिए हम, वो इनके बाप नहीं है। इन्होंने अपना नाम दिया था तुमको, लेकिन वो तुम्हारे रियल के पापा नहीं है, ये तुमको समझना पड़ेगा। मैंने तो सुना था सर, खून के रिश्ते से ज्यादा वैसे ही रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन सही सुनी थी, सही सही बात है, ये तुम्हारे कहने के ऊपर है ना, तुम्हारे अंदर कचरा भर गया है। वो तुम्हारे खून के रिश्ते का पापा नहीं है, तुम्हारे अपने पापा नहीं है, फिर भी तुमको यहाँ से यहाँ तक किया ना। तो तुमने क्या किया, तुमने उन पे ही गलत इल्जाम लगा दी कि बाप होकर बेटी के साथ गलत संबंध बनाता है। तुम्हारे तो गलत कभी किए हैं? तो फिर क्यों बोलती थी उस दिन? ये जिनको अपना बाप समझती है दोस्तों, वो उनके बाप नहीं है। इनकी माँ उनके घर में काम करती थी, जो कि उनका डेथ हो गया उसके, तो उस समय छोटी थी, लगभग 3-4 साल की थी, तब से पाल पोस के इनको बड़ा किए, उसके बाद उन्हीं पर इल्जाम लगा रही है। तो किस चीज का रिपोर्ट लेके आए हो? आज मैं किसी और चीज के लिए आई हूँ सर, बहुत ज्यादा गलत हुआ है मेरे सामने, बहुत ज्यादा गलत हुआ है। ये तो हम भगवान तो है नहीं कि तुम बताओगे नहीं हम समझ जाएंगे, हम भी इंसान है जैसे तुम, उसी तरह हम है। हुआ क्या है बताओगे कुछ? जिस इंसान को मैं अपना बाप समझती थी और जो उनके बच्चे थे उनको अपना सगे भाई से बढ़कर समझती थी, उसी इंसान ने मेरे साथ बहुत गलत किया है सर। ये पहेली मत बुझा मेरी माँ, जो बात है वो बता ना यार, दिमाग की माँ बहन तुम लोग कर देते हो। ये रिपोर्ट है सर, ये देखो।
तुम्हारे डीएनए रिपोर्ट से हम क्या करें बताओ ना, जो बात है वो बताओ ना यार। जो मेरा भाई था ना सर। तुम पहले बैठो तो इधर आराम से बैठो, इधर आके इंट्रो कर लेने दो यार। तुम लोग फोन पे कुछ बताते नहीं हो यार। पकड़ो, बैठो भैया, शांति से बैठे रहो ठीक है ना। इंट्रो कर ले तो उसके बाद हर चीज तुम बताना। तो रो ले पहले, तू रोइए ले, हर चीज ठीक हो जाएगा। तो क्या करूं सर, जब मेरी किस्मत में ही रोना लिखा है तो सबसे अच्छा रहेगा फांसी लगाओ और मर जाओ, अपने आप को खत्म कर लो, ना रहेगा दिया ना। मर भी तो नहीं सकती अब मैं, क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ सर, और अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई है। अच्छा, कुंवारी माँ बनने वाली हो? ये सब कैसे हुआ? हर चीज के ऊपर हम बात करेंगे, पहले इंट्रो कर लेने दो ठीक है ना। ये तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहे हो किसका है? और तुम अभी, तुम्हारा शादी नहीं हुआ फिर भी तुम माँ बनने वाली हो यार, कर लेने दो इंट्रो पहले। तो हाँ जी, स्वागत है हमारे चैनल में दोस्तों। मेरा नाम प्रकाश और मेरे भैया है, इनको लो, इनको तो आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मेरा चैनल देखिए, उसमें दो दो वीडियो पड़ा हुआ है। ये जिनको अपना परिवार समझती थी, वो इनके परिवार नहीं है, इनके मालिक है वो। जिनको ये अपना बाप समझती थी, वो इनके बाप नहीं है। फोन पे कुछ बता ही नहीं है, क्या क्या तुम बात बोल रहे हो? क्या कितना अच्छा से लगभग 3-4-5 दिन हो गया तुमको, तो 3-4-5 दिन में तुम ना एक मैसेज तुम कियो ना एक कॉल कियो, अचानक से कल तुम्हारा फोन आता है, कैसा सा बात हमारे साथ हो गया है? मैं तो मुझे खुद ही नहीं पता था सर। जो भी बात है ना एक बार ऑन कैमरा क्लियर करो, क्या चल रहा है, क्या चीज़ का पेपर, तुम्हारा डीएनए रिपोर्ट है तो क्या चीज़ का रिपोर्ट है, वो हर चीज़ बताना। मेरा भाई है ना सर, मुझे खुद ही नहीं पता था, एक दिन में उन लोगों के पास गई थी जैसे बाहर पानी। पहले हर चीज़ क्लियर करो, क्या क्या हुआ है पूरा शुरू से लेकर अंत तक क्लियर करो, क्या कि फोन पर तुम कुछ बता ही नहीं हो, इस रोने के वजह का कारण क्या है, वो हर चीज तुम बताओ यहाँ। हाँ थी ना वो, जिन आपको तो पता ही है वो। पहले रो मत, आराम से शांति से बताओ ठीक है। मेरी माँ उन लोगों के घर में काम करती थी सर, उसके साथ भी गलत हुआ है। मैंने किनके घर में तुम्हारी माँ काम करती थी, वो चीज बताओ। मेरे पिता हैं जिन्होंने मुझे पाला पोसा, जो मेरे पिता है ही नहीं, उन लोगों के घर में काम करती थी, उसके साथ भी गलत हुआ बेचारी के, और अब मेरे साथ भी गलत हो रहा है, जिनको मैंने अपनी फैमिली से बढ़कर माना, जबकि मुझे पता नहीं था, जब पता भी चला तब भी मैंने अपनी फैमिली के ही समान उनको माना। कैसा फैमिली यार, फैमिली का मतलब होता है तुम कितना दिन से दिल्ली में रह रही हो, आज तक कभी गाँव गई हो, अपने गाँव का शक्ल देखी हो? पर सर वो नहीं मानते, लेकिन मैं तो समझती हूँ ना, तो रोटी एक हाथ से नहीं बनता है ना, एक तरफा प्यार कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है। बेशक मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ, मेरे कोई भाई बहन। सौतेली बेटी? कौन सी सौतेली बेटी यार, तुम उनकी कोई औलाद नहीं हो, तुम उनकी नौकरानी की बेटी हो। सर पर उन्होंने तो बोलो ना यार, समझती हूँ ना उन लोग, बात बताओ जो जो बात है। नहीं समझते हैं, जिसको मैं अपने भाई से बढ़कर मानती थी उसी ने मेरे साथ गलत किया है, वो फिजिकल हुआ है मेरे साथ, और उसी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ मैं। माने तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो तुम्हारे भाई का? वो मेरे भाई का ही है। तुम भी उसको अपना भाई ही समझती थी? मैं तो अपना भाई समझती थी, पर उसकी गंदी नजर थी मुझ पर। तुमसे छोटा है या बड़ा है? छोटा है। तो तुम कब, तुमको ये मन महसूस हुआ कि तुम माँ बनने वाली? वो फिजिकल हुआ मेरे साथ 10 दिन पहले, और कल ही मुझे पता चला सर। तो उससे पूछती है तुम मेरे साथ कुछ गलत किया तो क्या बोलता है? बोलता है मैंने कुछ गलत नहीं किया, जबकि मुझे खुद भी नहीं पता चला था सर, क्योंकि जैसे स्प्राइट वगैरह होती है उसमें, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसी में मिलाकर उसने मुझे कुछ दिया। अच्छा, स्प्राइट वगैरह में? हाँ। तो तुमको कुछ पता नहीं चला, बेहोश हो गई थी मैं, बिल्कुल होश नहीं था। तो कल हो के तुमको पूछना नहीं चाहिए क्या? मैंने पूछा है, पर वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। यार घर में था चार लोग तो फिर कौन किया कौन, तुम माँ कहाँ से बन गई? तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तब ना? मैंने डीएनए टेस्ट करवाया तब मुझे पता चला सर, आप खुद देख लो। किसका डीएनए रिपोर्ट बने? उसी का है, उसका बुलेट? हाँ उसी का ही है। तब नहीं इतना तुम गारंटी से बोल रही हो? हाँ सर। ये चीज उसको दिखाओ ना। वो नहीं समझता सर। उसको दिखाई हो कि नहीं दिखाई हो अभी तक? अभी तक नहीं। तो अभी बुलाओ ये दिखाओ, जो तुम्हारे जो पेट में बच्चा है ना, बोलो उसको ये तुम्हारा है।
सर वो मुकर जाएगा, वो नहीं मानेगा, इसलिए तो मैंने आपको मैसेज कर रही हूँ। तो जितना जल्दी होगा ना इसको गिरा दो यार। समाज तुम क्या चाहती हो, तुम उसे शादी करना चाहती हो? हाँ सर, जब मैंने अब भाई नहीं रहेगा, जब वो समझता ही नहीं सर, अगर समझता तो फिजिकल होता ही क्यों मेरे साथ, आप खुद सोचो ना। जब उसकी अपनी बहन हुई नहीं मैं तो फिर तू चाहता है तुमसे शादी करना, वो तुमको बहन मानता है कि कुछ और मानता है? सर अगर वो बहन समझता, दुनिया वालों की नजरों में वो समझता है बहन, बाकी उसके दिल में ऐसा कुछ नहीं है, बहन वाली फीलिंग है ही नहीं उसके दिल में। उसकी शुरू से मेरे ऊपर गंदी नजर रही है। एक काम करो ठीक है ना, एक बार उसको बुलाओ और बात करो, इसके बारे में जिक्र करो, इसके बारे में सच है या झूठ है, उसके बाद आगे हम बात करेंगे ठीक है। क्या तुम्हारे, तुम बोल तो सही रही हो, अगर डॉक्टर रिपोर्ट तो गलत दिखाएगा नहीं, कब तुम्हारे साथ मैंने ऐसा गलत काम हुआ था, कुछ उसके बारे में अंदाजा नहीं है ना? 10 दिन पहले सर। तुम ड्रिंक करती होगा? नहीं सर। तो जब ड्रिंक करती नहीं हो तो फिर तुमको कैसे पता लगेगा उसमें सर, उसमें दवा वा मिला था का? हाँ, स्प्राइट दी थी उसने पीने के लिए, तो उसी में ही हो गया होगा सर, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अगर ड्रिंक करती तो वो ड्रिंक पिलाता ना मुझे, जब मैं करती नहीं इसलिए तो उसने ये सोचा। चलिए ठीक है, ये माइक है छुपा कर रखिए, बाकी आने के बाद हम बात करते हैं। A few moments later. प्रणाम दीदी। यहाँ क्यों बुलाई हो? यहाँ क्यों बुलाई तुझे नहीं पता? पार्क में कौन बुलाता है, घर पे आती ना, घर पे बुलाती, यहाँ पर क्यों बुलाई? क्या घर पे बुलाती, यहाँ पार्क तो क्या हो गया, इधर बुला लिया तो? अब बताओ क्यों बुलाई हो? कुछ काम था तुझसे इसलिए बुलाया। काम रहेगा तो यहाँ बुलाओगी, पागल वागल हो गई हो क्या? पार्क वार्क में चिल्ला क्यों रहा है तू? तो चिल्लाऊ ना तो चिल्ला क्यों रहा है? मैं बात कर रही हूँ। पार्क में कौन बुलाता जब हम घर पे भी तो बात कर सकते हैं? क्या हो गया, बुला लिया तो क्या पार्क में नहीं आ सकता? पार्क में आ सकता हूँ। आप क्या कर रही हो यहाँ पे, ये बताओ? क्या कर रही हूँ, बैठी हुई हूँ ऐसे। क्यों क्यों नहीं बैठ सकती? पार्क में क्यों बैठोगी, घर पे नहीं बैठ सकती हो? इतना चिल्ला क्यों रहा है तू? मैं प्यार से बात कर रही हूँ ना तो। आई हूँ ना मैं तुम्हारा, तो चिल्लाऊ ना मैं? ये ना ज्यादा नाटक मत कर, समझ में आ गई? ये ज्यादा नाटक करके मत दिखा मुझे। क्या नाटक जो तू ये कर रहा है ना, मैं सब समझती हूँ, समझ में आ गई? तो मेरे आगे ये नाटक दुनियादारी के सामने दिखाई, मेरे आगे नहीं, समझ गया? मैं सब जानती हूँ। क्या दुनिया? मैं सब जानती हूँ और तू भी बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि तू क्या कर रहा है और तूने क्या करा है, समझ गया? तू भी अपने बाप की तरह ही निकला क्या? मेरे बाप पे मत जा, पहली बता रहा हूं। अपने बाप की तरह ही है, झूठा मक्कार धोखे बाज। पहली बता रहा हूं मैं। क्यों क्यों ना जाओ? अच्छा अब तू पे आ गया, अभी तक तो दीदी प्रणाम, तो प्यार से बात कर लो। मैं प्यार से ही बात कर रही हूँ। बाप पे मत जियो, दोबारा पहले बता रहा हूं। खून है ना तू उनका, तो खून खून पे ही तो जाएगा, घटिया एकदम गंदा। क्या हो गया तुम्हें, क्यों चिल्ला रही हो इतना, क्या क्या बोले जा रही? अच्छा ज्यादा बोला मन मत तू, समझ में आ गई तूने क्या किया है ना? तुझे सब पता और तू सब जानता है। मुझे कुछ नहीं पता, करा क्या मैंने? ये हाथ फटा करके, ये भाई बहन का ड्रामा मत कर, हाथ फटा करके बात कर लो, पहले बता रहा हूं मैं, हाथ हटाओ। ये तो शुक्र मना मैं ऐसे कर रही हूँ, वरना तू मेरे हाथ हटा करके बात कर लो। क्या किया है तूने ये, और ये नौटंकी कर क्यों रहा है तू? अरे मैंने करा क्या, ये तो बता क्या करा मैंने, क्या किया है? तुझे नहीं पता कि तूने क्या किया है मेरे साथ? क्या तुझे नहीं पता है? क्या जो भाई बहन का ये नाटक कर रहा है ना, क्या भाई बहन, दिमाग मत खराब करो, तू मानता ही नहीं, तेरी तो गंदी, भाई बहन का ना नाटक मत कर, समझ रही? तेरी गंदी नजर है मुझ पे, तू मुझसे नहीं मेरे शरीर से प्यार करता है। मैं कह रही हूँ हाथ मत उठा मेरे ऊपर, समझ गया? जो तूने किया है ना, तू बहुत अच्छी तरीके से जानता है, अपने बाप की तरह धोखेबाज है। बाप से नहीं जाऊँ, तेरा बाप भी गंदा था, तू भी गंदा है। अगर मेरा बाप नहीं होता ना तो गंदी नाली की कीरा वही सर। अच्छा मेरी माँ के साथ भी तुम लोगों ने ऐसे ही गलत किया, और मेरे साथ तूने गद्दारी की। तूने तो तुझे सब कुछ पता चल गया है? हाँ पता चल गया है मुझे। क्या क्या पता? जो तूने किया है ना मेरे साथ। मैंने क्या करा है? मैं माँ बनने वाली हूँ। ओ ये नौटंकी ना, मेरे तेरे बच्चे की तू क्या सोच? हाँ तेरे बच्चे की, मैं पहले बता मार मत तू, तूने मुझे बर्बाद किया है, समझ में आई? क्या किया है, क्या कर दिया, क्या करा, क्या कर दिया बता? तू बाप बनने वाला है मेरे बच्चे का, समझ में आई? और मैं माँ, इतना शौक मत हो, तुझे सब पता है, तेरी गंदी नजर। कुछ भी नहीं पता ठीक है,
और इसका कोई प्रूफ है कि मैं तेरा बाप बनने वाला हूं? देखेगा क्या? ये ले डीएनए रिपोर्ट, ये ले देख, देख ले अच्छे से। ये कहां से लाई है तू? कहां से लायू? ये कहां से लाई है? कहां से लायू तुझे नहीं पता? दूर हट। इसे, और अब तू जानता नहीं है मैं क्या कर सकती हूँ। ये कहां से लाई हो? ये जो भाई बहन का नाटक लगा रखा है तूने दुनियादारी के सामने, क्या है ये? जब गलती की है तो एक्सेप्ट करना, क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं कर रहा है एक्सेप्ट? जब तू मेरी सगी बहन है। अच्छा, सगी बहन नहीं हो तो ऐसा करना चाहिए? काम वाली भाई की। तुझे मेरे जिस्म से प्यार है ना, ले ले। तुझे मेरे जिस्म से प्यार है ना तो ले ना, कर ले। अरे मैं नौटंकी नहीं कर रहा, पागल हो क्या? पागल? किसी का भी रिपोर्ट लगा के तू पागल बना सकता है? मुझे नहीं समझ गया? पागल नहीं बना मत। और जो गलती की है ना मेरे साथ, सोया है ना तू, उसे एक्सेप्ट कर। मैं नहीं सोया हूँ, क्यों पागल हो रही हो? दिमाग क्यों खराब कर रही हो मेरा? तेरे कहने से क्या होता है? रिपोर्ट है ना मेरे पास, किसी और का रिपोर्ट होगा। ठीक है, मेरा नहीं है वो। अच्छा, तेरा? मेरा नहीं है। डीएनए टेस्ट करवाया है मैंने, डीएनए टेस्ट। मेरा नहीं है वो, किसी और का होगा, मेरा नहीं है वो। अब तू जो मर्जी समझ, मुझे कुछ नहीं पता। पर तूने मेरे साथ क्यों किया इतना गंदा? मैंने नहीं करा, बता रहा, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? तूने ही किया। तूने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? अरे मैंने नहीं भी ऐसा ही किया मेरी माँ के साथ। हर वक्त झूठ बोला मुझसे, बचपन से लेके आज तक। अगर बेटी समझता ना तेरा बाप मुझे, तो गांव समाज में तो पहचान भी बनाने देता मेरे को, पहचान भी बनाने देता। समझ में आया? कभी कोठे वालों को मेरी माँ बना रहा है, कभी कुछ, कभी मेरी माँ को नौकरानी बना दिया। ऐसे ही घुमाया तुम लोगों ने? कब तुमने मुझे अपनी फैमिली में जोड़ा? कब समझा मुझे? कुछ समझ में नहीं आता है, इतना कुछ करने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हें बाप मानना चाहिए उसे, ना कि उसके ऊपर झूठ है। तेरा बाप भी घटिया इंसान था। आपके बारे में मत बोलियो, तेरा बाप भी घटिया इंसान था। बोलूंगी क्योंकि उसने भी कोई कम गलत नहीं किया मेरे साथ। उसने भी बहुत गलत। शुक्र मनाना चाहिए कि तुम्हें इतने शुक्र मनाओ। अच्छा, पाल पोस के बड़ा किया तो इससे अच्छा तो मार देता ना मुझे। पाला ही क्यों? पहले पढ़ाया लिखाया है, उसके बाद किसी कोठे वाले को मेरी माँ बना दिया। इतना तो कर दिया ना, कम से कम कोठे वाली को माँ नहीं बनाया। वो तेरी माँ काम वाली बाई थी और तू उसकी बेटी है और रहेगी। और उसके साथ भी एहसान मानना चाहिए ना तुम्हें मेरे बाप का? एहसान मानना चाहिए? उस एहसान का बदला तू ये दे रहा है? मैंने कुछ नहीं करा, पहली बता रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं करा। उस एहसान का बदला तूने बहुत अच्छा लिया है ना। एहसान तेरे बाप ने मुझ पर किया तो तूने मेरे साथ गलत किया। मत लगाओ दीदी, पहले गलत नहीं है ये, समझ में आया? गलत नहीं है ये, गलत नहीं, ये गलत है ही नहीं दीदी, यकीन मानो। अरे ये दीदी क्यों बोल रहा है? तुम लोग हो ही ऐसे। तुम लोगों ने मेरे साथ कुछ सही नहीं किया। अरे हमने ऐसा कुछ करा ही नहीं है यार। आपको तो एहसान मानना चाहिए था हमारा। गलत इल्जाम लगा रही हो दीदी। अब तूने जो कर लिया है ना, तो तुम उससे शादी कर ले। पागल वागल हो गई हो क्या? जब मैंने कुछ ऐसा करा ही नहीं है। अरे मैंने कुछ पता है तूने किया ये सब? मैंने कुछ नहीं करा, ठीक है? दिमाग मत खराब करो मेरा। मैं तेरे बच्चे की माँ बनने वाली? अरे पागल हो क्या दीदी? मैंने ऐसा कुछ? दीदी दीदी मत बोल, कर ले मुझसे शादी। मैंने ऐसा कुछ करा ही नहीं, मैं क्यों करूंगा? मैं मर जाऊंगी। अरे यार मैंने ऐसा कुछ करा ही नहीं है तो शादी कैसे कर लूंगा मैं? ये डीएनए रिपोर्ट क्या झूठ बोले? तो ये मेरा नहीं है, तुम मेरा नहीं है। और इसे ना जहाँ से लाई हो वही डाल दो ले जा करके, ये मेरा नहीं है। अरे रोना बंद कर लो यार दीदी, प्लीज रोना बंद कर लो प्लीज। मुंह पर दुनिया वालों के सामने दीदी बोलता और ऊपर से मेरे साथ ये सब गंदे काम। अरे यार पार्क में बैठे इधर नहीं है तेरा समाज, नहीं है तेरी दुनिया। तू क्यों नहीं मानता अपनी गलती जो तूने की है? अरे यार मैंने कुछ भी नहीं करा, तू नहीं समझ रही हो? पार्क में ऐसे ड्रामे मत करो ना, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? हाँ बताना। मुझे नहीं पता तू मुझसे शादी कर ले, मैं तेरे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है मैं। और वैसे भी मैं कौन सा तेरी सगी बहन है? तो तेरी वैसे भी मुझ पर गंदी नजर रहती थी ना। जो तूने करना था वो तूने कर चुका। दीदी ये सब गलत बात है, मैं ऐसा कुछ नहीं करा। जो तूने करना था वो तू कर चुका, मुझसे शादी कर ले। मैंने कुछ नहीं करा, दूर होकर के बात कर लो दीदी। मैं कहाँ जाऊंगी, मेरी तो जिंदगी बर्बाद। मैंने ऐसा कुछ करा ही नहीं तो क्यों सोच रही हो? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना। मैंने ऐसा कुछ करा ही नहीं है दीदी, समझने की कोशिश करो ना। अरे रोना बंद कर लो यार, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं करा यार, क्यों नहीं समझ? तू क्यों नहीं कर रहा मुझसे शादी? कर ले, तूने किया। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं ऐसा क्यों करूंगा ये बताना? क्योंकि तेरी गंदी नजर थी मुझ पर। नहीं दीदी हो,
दीदी के ऊपर किसी की भी गंदी नजर नहीं जाती, ठीक है ना? समझने की कोशिश करो, रोना बंद करो। पार्क में हम बैठे कोई देखेगा तो क्या सोचेगा यार, रोना बंद कर लो। कर ले मुझसे शादी। अरे नहीं यार, मैं समझता है, मैं नहीं तुझे अपनी माँ का वास्ता, तुझे अपनी माँ की कसम, प्लीज कर ले मुझसे शादी। क्यों माँ का वास्ता? और तू भी जानता है अच्छे तरीके से कि तूने किया ये सब कुछ, मैं तेरे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तुझे अपनी माँ की कसम, तू मुझसे शादी। हाँ मैंने करा है, तो मैंने करा, बोल अब मैंने करा, बोल। जब तूने किया है तो तू कर लेना शादी, मुझसे क्यों नहीं समझ रहा? मैं क्यों कर ले शादी? उससे शादी करूंगा मैं? हाँ। तो मेरे स्टैंडर्ड की है, है? अच्छा, चल बैठ वहां बैठ, है मेरे स्टैंडर्ड की तो बता। हाँ तेरे से शादी करूंगा मैं, तेरे जैसी लड़की ना मेरे घर पे पलती भरती है। तो क्यों मेरे साथ फिजिकल हुआ जब मैंने? अरे हट के बात कर ले, थोड़ा दूर होकर के बात कर लो, ठीक है ना? और ना ये तेवर और जेवर ना मेरे सामने मत दिखाइयो, और ये रिपोर्ट विपोर्ट समझ में आई ना बात? और इन सब चीजों को ना भूल जा, मैंने सोचा था कि तेरे साथ में ये करने के बाद फिजिकल होने का बहाना बनाऊंगा, समझ में आई बात? और तू तो यहाँ चेपी हो रही है, चेपी हो रही है। तेरे जैसी ना नौकरानी खड़ती है मेरे घर में, अपना स्टैंडर्ड देख और मेरा स्टैंडर्ड देख ले, समझ में आई बात? और तू एक नौकरानी है, ये कभी भूल मत जियो, बड़े बड़े सपने देख रही है घर पे आने के। तो तू क्यों मेरे साथ ऐसा किया? जब मैंने कुछ नहीं करा, और मैंने करा है ना तो इसका ना एबॉर्शन करवा लो, ठीक है? मैं नहीं गिरा सकती इस बच्चे को, करवाना पड़ेगा तुम्हें, नहीं गिरा सकती, करवाना पड़ेगा, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? तू मेरी सगी बहन नहीं है, समझ में आई मेरी बात? इसे ना एबॉर्शन करवा लो वरना बहुत मारूंगा मैं, समझ में आई बात? तुझे तो एहसान मानना चाहिए था मेरे बाप का, मैं नहीं गिरा सकती। काम वाली की बेटी होकर के इतना पाला पाला पोसा, इतना बड़ा कर यार, तुम्हें पढ़ाया लिखाया सब भूल जाती है तुम तो, और चेपी हो रही हो। मैं नहीं गिरा सकती इस बच्चे को, मैं नहीं गिरा सकती, कह रहा हूं ना, शादी करनी पड़ेगी। दूर हट करके बात कर लो, दूर हट के बात कर ले, पहली बता रहा हूं ना। और ये शादी के सपने जो देख रही है ना, इसे भूल जा, समझ में आई बात? मैं नहीं कर रहा शादी वादी, और इसका एबॉर्शन करवा ले वरना बहुत पीटेगी तो बहुत। नहीं गिराऊंगी, तुम क्यों? तुझे गिराना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ेगा तुझे गिराना। तुम मुझसे शादी कर, अरे पागल है क्या तू? अरे हट जा यहां से, निकल यहां से, चल हट जा, वरना जहाँ घर में भी रह रही है ना वही वहाँ भी नहीं रहने दूंगा, पहली बता रहा हूँ। ऐसा मत करो मेरे साथ प्लीज, तुम मुझसे शादी कर लो। चल चल तेरा स्टैंडर्ड जा यहाँ से, मैं तुम्हारे, तू यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ना निकल यहाँ से, तुम्हारे निकल जा यहाँ से, यहाँ से चले जा, समझ में आई ना? और जो भी हुआ है ना उससे भूल जा, अच्छे से बता रहा हूँ मैं, एबॉर्शन करवा ले का, एबॉर्शन करवा ले। ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? तू मेरी सगी बहन है क्या? तो क्या हो गया? जब भी तो कह रही बंद हो जा, पहली बता रहा हूँ मैं, इन सबों को ना यहीं पे भूल जाएगी, अभी भूलेगी, भूलेगी नहीं, भूलेगी भूलेगी, हाँ भूलेगी कि नहीं? नहीं, ठिकाने लगा दूंगा तेरा अभी यहीं पे, समझ में आई बात? मार दूंगा तेरे को, कोई बचाने वाला भी नहीं रहेगा पार्क में। तो मैं समझ गया, अरे हट यहाँ से, यही यही जगह है तेरा, मैं पैर के नीचे ले, चल चल। तो तुम मुझसे शादी क्यों करूंगा मैं तेरे से? शादी मत करो, सपने मत देख मेरे घर पे आने के, समझ में आई तेरे को बात? जा यहाँ से, निकल निकल के चली जा, प्लीज ऐसा मत करो। क्यों? प्लीज ऐसा मत करो, ऐसा ही करूंगा मैं, यहाँ से चली जा, मुझसे शादी कर, शादी करनी है, उठ उठ यहाँ बैठ, यहाँ बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, शादी करनी है तो ऐसा करते ना, शादी तो नहीं करूंगा, सुहागरात मनाऊंगा मैं। क्या बोल, बोला तू? सुहागरात मनाऊंगा। इतना घटिया इंसान है तू, तू भाई कहलाने के लायक ही नहीं है। आराम से दिखा दी तूने अपनी असली औकात। हां हां दिखा दी, और आराम से। अब तूने बता दिया कि तू उस घटिया बाप की घटिया औलाद है। बाप के बारे में कुछ मत बोल, पहली बता रहा तुझे, एहसान मान उसका। अभी ना यहाँ नहीं होती, तू कहीं पे भीख मांग रही हो, बाप पे मत जा मेरे। शादी घटिया इंसान है, अभी तो बड़ा भाई बहन दिखा रहा था। कौन सा तू, कौन सा मेरी सगी बहन है क्या तू? काम वाली की बेटी है तू, काम वाली की, ये मत भूल कभी भी। कब से बातें करे जा रही है, क्या पता तेरी माँ मेरे बाप को फंसाई होगी। तो दिखा दी तूने अपनी औकात। औकात नहीं, औकात दिखाता तो अभी रोड पे रहती, रोड पे यहाँ नहीं बैठती मेरे पास में, यहाँ बैठने के लायक है तू? बात कर रही है बड़ी बड़ी तब से, और ये ना शादी वादी का ना दिमाग से हटा ले अपने। नहीं हटाऊंगी, शादी तो तुझे करनी पड़ेगी। मैं नहीं कर रहा शादी वादी तेरे से, नहीं करूंगा शादी, हाथ हटा के बात कर, वरना मैं पुलिस में जाऊंगी ये रिपोर्ट ले। पुलिस में जाएगी, बहुत पैसे अपने पास, कुछ नहीं होगा, चल उसे हटा। और ये बच्चा बच्चा वाला ना बार दोबारा मत करियो, एबॉर्शन करवा ले, पहली बार नहीं करवाऊंगी, मारूंगा मैं तेरे को।
समझ में आई ना बात? करवाना पड़ेगा तेरे को। नहीं करवाऊंगी। करवाना पड़ेगा। मुझे शादी करनी। मैं नहीं कर रहा तेरे से शादी, तेरे से शादी करूंगा मैं। शादी नहीं करेगा। ओ भाई कौन हो? आदमी है, पार्क में घूम रहे थे। तो जाओ ना यहाँ से, हमारे घर का मैटर है। कौन है तुम्हारी? कोई भी हो तुम्हें क्या मतलब है, जाओ यहाँ से निकलो। पूछ रहे कौन है? बे कौन है ये? पता नहीं कौन है। कौन है तुम्हारी? ओह 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 कौन है तुम्हारी? ओह ओह कौन है तुम्हारी? ओह भाई ओह बैठ यहाँ पे। कौन है भाई तू? कौन है तुम्हारी? कोई भी हो, कौन हो कौन तू? बोल देना कौन है तुम्हारी? कौन हो तुम? भले कौन है? ओए बोल ना कौन है? बहन है। बहन है? तेरी रिपोर्ट किस टाइप का? ये अभी भी इसे दो मैंने रिपोर्ट किसका है? तो रिपोर्ट देने के लिए जब तुम्हारी बहन है तो बहन के साथ फिजिकल हुआ है, बताना। बहन के साथ उसके पेट में जो बच्चा है, बुलाया है। इसे कौन लगता है? उसके जो पेट में बच्चा है तुम्हारा है कि किसका है? तेरा ही बच्चा होगा, तेरा ही बच्चा होगा। अच्छा मेरा बच्चा होगा? तू इसके साथ में मिला है ना, तेरा ही बच्चा होगा। अच्छा हम फिजिकल हुए इसके साथ में? घटिया सोच रख रहा अपने दिमाग में। कहाँ से आया ये फिर? तेरे जैसा घटिया। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है। कौन है ये तेरा भाई? है मेरा, जो फर्स्ट तुझे नहीं मानना चाहिए था भाई। कई फर्स्ट वो इंसान नहीं। मत मारो मत मारो, एक सेकंड। मेरा भाई है, इसे भाई बोलती हूं। तू बोल सकता है ऐसा? मुझे जानता है तेरे अंदर कचरा भर गया ना, तो जो जिसके अच्छा मेरा है, तेरा ही बच्चा होगा। अच्छा मेरा बच्चा है, तेरा ही होगा। कहाँ से आया? कितनी घटिया। कब से चल रहा तेरे दोनों में? वाह, कब से चल रहा हम दोनों में ना? इसके पेट में जो बच्चा पल रहा वो मेरा है ना, यही ना बोल रहा है? किसी का भी बच्चा हो तुम्हें क्या? अभी तो यही ना बोल रहा है, यहाँ से चले जा। जितना पूछा है उतना बता। इसके पेट में जो बच्चा है किसका है? चला जा पहले। इसके पेट में जो बच्चा है मेरा है कि तेरा है? हाँ मेरा है, बता क्या करेगा? बोल कहाँ नहीं आते? तू कौन होता? झूठ क्यों बोल रहा है? झूठ क्यों बोल रहा है भाई? बीच में माता पहली बता रहा हूँ, क्या करेगा? बहुत कुछ होगा, बता बता अभी बता। चला जा, बता बता ना, बता ना। कह रहा हूँ ना यहाँ से चले जाने के लिए। साला जिसको अपना बहन मानता था, अपने उसका पैर छू के तू प्रणाम कर रहा है ना, उसके साथ तू फिजिकल हुआ है साला चूतिया इंसान। हाँ यही बस, सारा तेरे नौटंकी दिख रहे थे। ड्रामा करता है, काम वाली बाई की बेटी होके मेरे को फंसा रही है तू। अच्छा काम वाली बाई की बेटी को तू बहन क्यों बोल रहा है? तेरे बाप ने अपना नाम क्यों दिया उसको? बाप ने तो इतने बड़ा करा इसे पाल पोस करके। क्यों किया? क्यों वही ना पूछ रहा, क्यों किया? कि तेरे बाप ने इसके माँ के साथ गलत किया था तभी ना। कि मेरे बाप ने करा था कुछ? दो दो वीडियो डाला है मेरे चैनल पे, जाके देख लेना ना। चैनल पे? हाँ चैनल पे, यहाँ पे कैमरा लगा है। ओ भाई, यहाँ पे जा, बंद करा, करा ना बंद, जाओ वहाँ पे कैमरा है सब। करा बंदी से बहुत गलत हो जाएगा, पहली बता रहा हूँ। क्या गलत हो जाएगा रे, क्या गलत हो जाएगा? ये बच्चा मेरा है, हम इसी से फिजिकल। साला घटिया सोच का घटिया इंसान, करवा दे यार, जाके करा ना तू अपने से। बंद करवा दो इसे, नहीं करेंगे तो तू क्या करेगा मेरा? बहुत बुरा हो जाएगा। तो करना भी है ना यहाँ पे? कह रहा हूँ ना बंद करवा दो। करना कह रहा हूँ, बंद करवा दो। तू करा बंद, बैठे हम भी यहीं पे, जा बंद करा। बंद नहीं करवा रही है तू ना, दा। और ऊपर से बोल रहा है बच्चा गिरा दे। तू उससे शादी करेगा? मैं नहीं कर, उसको अपना नाम देगा? क्यों नहीं देगा ना? नहीं करूंगा। तो एक वीडियो जाएगा सोशल मीडिया पे, तुमको एक कुत्ता भी नहीं पूछेगा। दिमाग मत, जिस बाप के दम पे तू उड़ रहा है ना, वो बाप तुमको घर से निकालेगा। अपने बोलता है उसको बहन, समाज के सामने बहन, घर पे बीवी की रखे। हमारे घर का मैटर है, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? जब घर का मैटर है तो समाज में नहीं लाना चाहिए था ना? बंद करवा दो। अपने बहन को मना करना चाहिए था ना? ये मेरी घर का मैटर है तो समाज में मत लाओ। जब बहन नहीं, जब तेरे नजर में तेरी बहन नहीं है तो उसको अपना बीवी बना। मैं क्यों बनाऊंगा बीवी? अच्छा सोने में मजा आया था, नौकरानी सोने में मजा आया था उसके साथ। बनाऊंगा, अच्छा नौकरानी हो गई हो तो उसके साथ फिजिकल क्यों हुआ था? गलत कर रहा है, पहली बात। अच्छा कल तूने जो किया वो सही था? बता। मैंने कुछ भी करा, बता तुम्हें। अच्छा क्या? तुम्हें क्या? तू कुछ भी कर सकता, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे घर वालों ने इसे पाल पोस करके इतना बड़ा करा। अच्छा, आ, कुछ कर लिया मैंने, कुछ कर लिया, छोटी सी बात है। तो ये करवाओगे तो उसको? तू तो बहन बोलता था, अपने बहन के साथ गलत करेगा, वो छोटी सी होता है। ये पहले पता था कि बहन बहन है, जब पता नहीं था तब की बात है। ये मेरी बहन बहन नहीं है, बात खत्म। ये काम वाली की बेटी है, नौकरानी थी और रहेगी, और कुछ नहीं। इससे तू उससे शादी तू करेगी ना? शादी बात करना बंद हो जा, तू पहली बता रहा हूँ मैं शादी वादी का सपने देख रहा। शादी कर लेना, बंद हो जा, बंद हो जा यहीं पे, पहली बता रहा हूँ मैं। और ये जो लेकर के आई है ना नए आसिक को, इसे भी बोल दिया जाने के लिए। कैमरा बंद करवा दे। नए आसिक है ना? नए आसिक है, नए नए आसिक है। अभी भी तू समझ में नहीं आ रहा है, मारना बंद कर दे पहली। अच्छा
चोट लग रहा है ना, मारना बंद कर, उसके तू उसको कितना तकलीफ में डाल रखा है तू, इसे बंद करवा दो। क्यों बंद करा दे उसे, तू शादी कर, करवा दो। नहीं करेगा शादी, मैं क्यों करूंगा शादी बता। तेरे बाप को फोन कर रहा हूँ, नंबर है उनका। ओ भाई ओए, ये सब नहीं, ये सब ड्रामे नहीं, पहली बता रहा हूँ। नहीं, तेरा बाप जो है ना बहुत दूध का धूला बनता है, इसे बंद कर दो। साले फोड़ दूंगा फोन मार के तेरे सर पर, ठीक है ना भाई। इसे बंद कर दो, फोन वन मत लगाइयो। तेरे बाप अपने फोन वन मत लगाइयो, पहली बता रहा हूँ, इसे बंद कर दो यार। बात करो अपने, उनको बुलाए यहाँ पे। अरे यार ऐसा मत करो यार प्लीज। नहीं, तू से शादी करेगा कि नहीं करेगा? इसे बंद कर। ना शादी करेगा कि नहीं करेगा बता, हाँ या ना बता बस। भाई यार वो क्यों नहीं है भाई, ये यार काम वाली है यार। मैं अच्छा काम वाली है, कैसे शादी? तो अब तुम्हारे बाप ने उसको अपना नाम कह दिया तो, जब काम वाली थी वो तो, सब मेरे को मैंने उसका क्या गलती है, वो काम वाली हो गई तो क्या हो गया? मैंने तू अभी भी छोट नीचे देख रहा है ना, मैं ये सब नहीं देखता व्यक्ता। मैंने तो गरीब है तो उसको उसको जीने का अधिकार नहीं है? ये सब ना हमारे बीच बहुत छोटी बात है, मैंने कुछ भी करा वो खत्म हो गया, बच्चा की राय की बात। तुम्हारे लिए वो छोटी बात है लेकिन उसके लिए नहीं, वो तुमसे प्यार नहीं करती है लेकिन उसका भी इज्जत है ना समाज में। है तो उस ये सब मत बता यार। अच्छा मत बता, अपने बुला फोन कर, बोला फोन के? तो मत करवाओ यार नाना, फोन मत कर, पहली बता रहा हूं मैं, फोन मत कर। ये वीडियो डाल देंगे सोशल मीडिया पर, इज्जत का धज्जिया उड़ जाएगा तुम्हारे। कर लूंगा यार फोन मत कर। लूंगा नहीं तो अभी करो, हाँ या ना बताओ कैमरे के सामने। भाई कर लूंगा यार, इसे बंद कर दो, इधर बुला लेते हैं यहाँ ना जन दो। उनको भी पता लगना चाहिए था ना भाई, उनका नंबर है तुम्हारे बाप का नंबर है। उस दिन यार फोन मत करो यार प्लीज यार, उस दिन बहुत प्रवचन दे रहा था। शादी कर लेना, मत बोल भाई यार प्लीज यार, माफ उनके सामने भी तो आनी चाहिए, उनका बेटा कितना घटिया है यार। इसे बंद करवा दे यार, मत बोल। हां ओ भाई, ओ भाई, ओ हां जी अंकल। अरे मत बुलाओ यार, आपका बेटा है। अरे मत बुलवाओ यार, अरे यार प्लीज यार, आप जिसको अपना बेटी बेटी बोलते हो ना भाई, भाई ऐसा मत, उसके साथ गलत किया है। अरे भाई ऐसा मत करो यार, बोल अपने बाप से, बोल बोल। हां बोल, बोलती क्या बंद हो रहा है ना, जल्दी आओ यहाँ का, यहाँ अभी दो मिनट में लोकेशन भेज रहे हैं। अरे यार आने दो, मत बुलाओ यार। अच्छा बाप से डर लग रहा है ना, क्योंकि बाप के दम पे तू उड़ता है ना, अपने पिछवाड़े में तो पावर है नहीं तेरे, अपने बाप से बात करना आ रहा है ना, बात करना बाप से यार, बंद करवा दे यार इसे फोन। बाप से बात करिए, उसके बाद बाकी बात बढ़ेगा। ये पढ़ो रिपोर्ट, ये बच्चा पैदा होगा और नाम भी तो बाप भी तू तू ही रहेगा उसका, कोई और नहीं। तू किया उसके साथ गलत यार, मत बुलवाओ यार इसे। तू शादी भी करेगा उससे? करेगा तू शादी? बहुत ड्रामा हो गया ना तेरा, लड़की का इज्जत इज्जत नहीं है ना भाई, कर लूंगा। उसको बजारू और समझ रखा है, उसको बजारू और तू समझ रखा है, जब मनो तो तू गलत कर लेता उसके साथ। कर लूंगा नहीं, तुम्हारा बाप एक प्रूफ हो जाएगा ना, यहाँ पे कैमरा लगा, उसको भी रिकॉर्ड करेंगे ना। बंद नहीं होगा, चल यहाँ से, चल चल निकल, चल तुम्हारा बाप आ रहा है, बात करेंगे, चल।